ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन आज हम कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स टू पढ़ेंगे ठीक है और इसमें हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म जो कि इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर uh, में से या यूनिट में से और फिर हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फिर हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दो पार्ट में पढ़ना है तो फिर आपका ये ब्लॉक ही पूरा ख़त्म हो जाएगा ठीक है तो लेट स्टार्ट। सो अपन सबको ये पता है कि आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म क्या होता है है ना किसी भी कंपाउंड का सेम केमिकल फॉर्मूला होना बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा अगर तो हम उसको बोलते हैं कि वो आइसोमर्स हैं सो कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला But different structural arrangement are called isomers and this phenomena you know is known as isomerism तो यहाँ पर अपन को डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स पढ़ने हैं किसमें coordination केमिस्ट्री में ठीक है तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के आइसोमर्स पॉसिबल हैं सो क्लासीफिकेशन तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमैरिज्म में सबसे पहले आपको देखना है कि दो टाइप के आइसोम होते हैं आइसोमैरिज्म है एक स्ट्रक्चुरल है एक स्टीरियो आइसोमैरिज्म है स्ट्रक्चुरल आइसोमैरिज्म के अंदर सात आइसोमैरिज्म है एक आयोनाइजेशन, एक हाइड्रेट एक लीगेंट एक लिंकेज एक कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन पोजीशन, एक पॉलीमराइजेशन। के अंदर सिर्फ जोमेट्रिकल है और ऑप्टिकल है तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो जैसे कि नाम से समझ आ रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसमें आप कुछ इस तरीके के आइसोमर्स देखोगे कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा बट केमिकल फॉर्मूला सेम ही रहेगा सो लेट स्टार्ट विद आइसोमेरिज्म फर्स्ट तो अपन देखते हैं कि सबसे पहला है आयोनाइजेशन सो आयोनाइजेशन टर्म से ही समझ में आ रहा है ऐसे आइसोमर्स जो कि अलग अलग आयन्स अगर आपको सोल्यूशन में देंगे सो आइसोमर्स विच गिव डिफरेंट आयन्स different ions in a solution are called as ionization isomerism now inka same empirical formula hoga for empirical formula matlab uh, jaise koi compound hai cobalt nh3 hai na pura ek compound hai to ye same hi rahega ये change नहीं होगा बस ions change हो जाएंगे ठीक है तो आ, example uh, है इसका ये और एक सो फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखोगे कि कोबाल्ट जब पांच अमोनिया के साथ लिंक्ड है सल्फेट है और ये SO4 है और इसके बाहर जब बी ए बी आर है तो ये पूरा एक अलग आयन देगा और ये बी आर अलग से आयोनाइज होगा तो ये पूरा जब एक अलग आयन फॉर्म कर रहा है मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में यूनिट में ठीक है कि ये पार्ट डिसोसिएट नहीं होता है तो जब ये आपको मिलेगा सोल्यूशन में तो ब्रोमीन के मिलने के कारण रेड कलर का सल्यूशन मिलेगा अब इसी का आइसोमर दूसरा क्या हो सकता है कि अमोनिया है ऐसे ही अब बी आर को अंदर कर दो और सल्फेट को बाहर कर दो तो सल्फेट अगर आपको मिलता है तो आपको वॉयलेट कलर का सल्यूशन मिलेगा सो दीज टू आइसोमर्स आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर ठीक है अब अगर आपको बी आर आयन मिल रहा है और बी आर आप Uh, अगर आप किसके साथ टेस्ट करोगे सल्फेट का और ब्रोमाइड आयन का टेस्ट कर सकते हो ठीक है तो एक्वा सल्यूशन अगर सल्फेट आयन है आपका तो अगर आप उसको बेरियम क्लोराइड के साथ है ना रिएक्शन करवाते हो तो आपको व्हाइट कलर की पीपीटी मिलेगी बेरियम सल्फेट की बट अगर आप uh, इससे जो ब्रोमीन आयन मिल रहा है जहां पर उसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको सिल्वर ब्रोमाइड की प्रेसिपिटेट uh, मिलेगा ठीक है पेल येलो कलर का सो so, uh, ये आपके आयोनाइेशन एग्जाम के एग्जांपल्स थे तो ये याद रखना है क्या याद रखना है कि कोबाल्ट के साथ पांच अमोनिया लिंक्ड है एक में सल्फेट अंदर कर देना बीआर बाहर तो जब बीआर बाहर है तो रेड कलर का मिलेगा और जब सल्फेट uh, बाहर है तो सल्फेट के कारण वॉयलेट कलर का मिलेगा सोलूशन नाउ कमिंग टू सेकेंड आइसोमर हाइड्रेट सो हाइड्रेट या सॉल्वेट है ना इसको दोनों बोल सकते हैं तो अगर हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है तो इसमें आपके जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लीगन की तरह काम कर रहे हैं वो आपके डिफर करेंगे ठीक है सो दिस आइसोमेरिज्म इज व्हाट इन विच कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स आर रिप्लेस्ड बाय वाटर ठीक है सो आप यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हाइड्रेट आइसोम में एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल एक है आपका क्रोमियम हेक्सा एक्वा आ, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड है ना इसका आयोपेक नेम सो यहाँ पर क्लोराइड की आप आ, क्रोमियम की आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हो ये जीरो है तो ये माइनस थ्री प्लस थ्री आ जाएगा सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस थ्री तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब में सेम ही है अब आप यहाँ पे देखो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं तो इसमें आपके डिफरेंस किस में होगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में तो अगर पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स आपके अंदर हैं पूरे सिक्स के सिक्स तो आपको वॉयलेट कलर मिल रहा है बट अगर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर है है ना तो नेचुरल सी बात है क्रोमियम की सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर चाहिए है सेकेंड रिवेल उसकी सिक्स होनी चाहिए तो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है तो एक क्लोराइड को अंदर आना पड़ेगा तो इस वजह से आपको ब्लू ग्रीन कलर मिलता है फिर अगर दो मॉली क्यूल्स बाहर आ गए तो दो क्लोराइड आयन को अंदर जाना पड़ेगा तो आपको डार्क ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिल रहा है सो ये क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिफर कर रहे हैं ठीक है इसकी वजह से आपको हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म मिल रहा है सो दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट आइसोमैरिज्म नाउ वी विल कम टू लीगेंड आइसोमरिज्म तो लीगेंड आइसोमैरिजम में क्या होगा कि लीगेंड की जो नेमिंग uh, है वो आप देखोगे इसमें अलग तरीके से लीगेंड कोऑर्डिनेट करेगा सो so, एक लीगेंड है आपका मान लो कि वन टू डायामिनो प्रोपेन और एक है वन थ्री डायामिनो प्रोपेन सो एक लीगेंड यह है तो ये एक ंड है अब ये लिगेंड चेंज हो गया वन थ्री डायामीनो प्रोपेन ये है ठीक है एक डायमिनो क्योंकि दो है और प्रोपेन क्योंकि तीन कार्बन है तो वन टू थ्री ठीक है और या फिर वन टू थ्री कैसे भी कर सकते हो तो वन और थ्री पे आपका अमीनो ग्रुप आ रहा है इसलिए अमीनो नाम है वन टू अमीनो प्रोपेन। यहां पर क्या होगा वन टू थ्री। वन टू थ्री। तो वन टू यहां से नेमिंग होगी। कहां से होगी और टू पे आपके अमीनो ग्रुप्स हैं इसमें क्या हुआ कि वन टू डाय अमीनो प्रोपेन हो गया तो आप यहां पर देखो कि लिगेंड अलग तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा है एक वन थ्री है प्लेटिनम के साथ एक वन टू डायमिनो वाला सो हैपेंस आइसोमेरिक लिगेंड, है। ठीक है? ये आपका लिगेंड है। so, जैसे कि ये दोनों हैं एक दूसरे के कौन लिगेंड्स वन टू डायमिनो प्रोपेन और वन थ्री डायमिनो प्रोपेन कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिगेंड आइसोमेरिज्म के ये भी दिए हुए हैं uh, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पी जो कि एक पिको, लिनेट आयन है ठीक है इसका आप देख सकते हो कार्बोक्सिलेट है। अब अगर यहाँ पे पी आई सी वोल्टवाइज है तो यहाँ पर सिल्वर के साथ इसका दूसरा आइसोमर जो कि एन आई सी निकोटिनेट है ना ये वाला कोऑर्डिनेट कर रहा है तो इन सब के क्या हो गए ये लीगेंड आइसोमेरिज्म हो गए फोर्थ आता है लिंकेज आइसोमैरिज्म so, एक बहुत एम्बीडेंटेड मतलब एस सी एन एन सी एस एनओ टू ओ एन ओ तो जब हम इन सारे लीगेंट्स की बात करते हैं तो वो होते हैं एम्बीडेंटेड लीगेंट्स क्योंकि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी है ना नाउ लिंकेज सो एक बार ये सल्फर से भी कर सकता है एक बार ये नाइट्रोजन से कर सकता है एक बार ये नाइट्रोजन से कर सकता है एक बार ये ऑक्सीजन से लिंक कर सकता है सो so इस वजह से जो आइसोमेरिज्म आपका अराइज होगा वो आपका होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल हो सकता है ये दिया हुआ है कोबाल्ट फाइव अमीन्स है नाइट्रो है सीएल है तब तो ये नाइट्रो ओएनओ से भी बॉन्ड कर सकता है तो अगर ओ एन ओ से करेगा तो कोबाल्ट ओ एन ओ एन एस टी होल फाइव ये दोनों आपके आइसोमर्स हैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ ये है सी आर एच टू ओ होल फाइव एस सी एन ठीक है और ये ब्रैकेट में है फिर एक है सी आर एच टू ओ होल फाइव एन सी एस ये एक तो ये दोनों आपस में क्या है लिंकेज आइसोमर्स लिंकेज आइसोमर्स हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर आप देखो यहाँ पर सल्फर से और यहाँ पर नाइट्रोजन से ये कोऑर्डिनेट कर रहा है सो so, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमर वाला ये लास्ट ईयर के एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर्स में आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट थी यस yes, हाँ का नाम याद करना पड़ कैसे एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा विशाल फिर भी कैसे दिस कोबाल्ट है फिर, टू, थ्री फाइव आ, अब देखो वो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे आपको ज्यादातर क्रोमियम सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा क्रोमियम सिक्स में मिलेगा तो आप कुछ उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करो कि अगर आपने पांच अमोनिया भर दिए तो एक अगर आप नाइट्रो उसके बाजू में लिख रहे हो तो वो एक ही रहना चाहिए क्योंकि पांच हो गए हैं तो तो एक सिर्फ नाइट्रो की जगह बची ऐसे तो ऐसे कुछ तरीके टाइप के के लॉजिक लगा आपको उस एग्जाम्पल को तो याद ही करना पड़ेगा अच्छा एग्जाम्पल का नाम नहीं है ना जैसे पूरे का नाम क्यों नहीं है जैसे ये वाला एग्जाम्पल है आपका मान लीजिए लिंकेज आइसोमेरिज्म में तो इसका नाम क्या हुआ है पेंटा अमीन नाइट्रेटो एन कोबाल्ट अच्छा ये तो, पूछ रहे थे मैडम हाँ आयोपेक नेम तो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया है ना अच्छा हाँ पढ़ा हाँ पर इसलिए मैं यहाँ पर बता नहीं रही हूँ जल्दी जल्दी करा रही हूँ कि आपको एग्जाम्पल समझ में आए कि लिंक कैसे हो रहा है ठीक है ठीक आपको लिखना तो आपको आयुपेक नेम ही है एग्जाम में ठीक है सो तो में क्या होगा कि आपका वो और पार्ट जो होगा difference होगा कैसे difference होगा कि कि आपका और जो उसमें कैसे जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड विच हैज बोथ कैटाइन एंड द आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अराइज होता है सो so यहाँ पर क्या होगा यहां पर कैटाइनिक और एनाइनिक एंटिटीज क्या हैं ये आपकी वो हो सकती हैं एक्सचेंज होती हैं इस एक्सचेंज के कारण ये आइसोमेरिज्म आपका होता है।, so, आ, ये देखो आप, ये वाले। ये है आपका एक है आपका टेट्रामीन कॉपर है ना और ये है आपका टेट्रा क्लोरिड टेट्राक्लोरो ठीक है so, सो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं इसमें आप देखोगे कि अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो यहाँ पर इट इज प्लस फोर ठीक है तो ये आपका हम मान लेते हैं ये एक कैटाइन मान लो एनाइनिक मान लो कुछ भी मान लो इसको कैटाइनिक मान लो एनाइनिक मान लो तो इसमें क्या होगा दिस टू विल बी एक्सचेंज कैसे एक्सचेंज होंगे कि कॉपर के साथ अभी अमोनिया था तो अब कॉपर के साथ क्लोराइड आ जाएगा प्लेटिनम के साथ पहले क्लोराइड था तो अब प्लेटिनम के साथ अमोनिया आ जाएगा सो दिस इज वॉट दिस इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्यों क्योंकि कैटाइनिक और एनाइनिक पार्ट बदल गए ठीक है अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं क्रोमियम वाले ठीक है तो अभी आप देखो क्रोमियम हेग्जा क्रोमियम ये आपका एक कॉम्प्लेक्स था ये था आपका थानेटो का है ना? थानेटो क्रोमियम तो यहाँ पर क्रोमियम के साथ अमीन ग्रुप था अब दूसरे वाला जब आप पेयर बनाओगे तो उसमें क्या होगा एक क्रोमियम के साथ तो पहले अमोनिया था तो अब क्या आ जाएगा साइनाइड आ जाएगा और इस क्रोमियम थायोसाइनेट आ जाएगा और इस क्रोमियम के साथ जो थानेट था इसमें अमोनिया आ जाएगा नाउ यहाँ पर उन्होंने नंबर्स भी चेंज कर दिए हैं तो आप ऐसा कर सकते हो क्यों क्योंकि अभी आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे क्रोमियम की सेकेंडरी वैलेंसी सिक्स है है ना क्योंकि सिक्स अमोनिया है तो अगर आप यहाँ पे फोर अमोनिया करते हो तो आप दो थायोसाइनेटो कर सकते हो अगर आप यहाँ पे दो अमोनिया करते हो तो आप यहाँ पे चार थायोसाइनेटो कर सकते हो सो so, इस तरीके से आप कर सकते हो बट इतना कॉम्प्लेक्स याद रखने की जरूरत नहीं है सिंपल सा याद रखो बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कैटाइनिक एनाइनिक पार्ट बदल रहे हैं तो आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अराइज होता है ठीक है तो आप याद कर लो कॉपर प्लेटिनम कॉपर के साथ पांच अमोन चार अमोनिया है और प्लेटिनम के साथ चार क्लोराइड आइंस तो इन दोनों को बदल के लिख देना एनाइनिक कैटाइनिक पार्ट नाउ कमिंग टू कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म तो इसमें क्या होगा कि लिगेंड जो मेटल के अराउंड अरेंज्ड हैं वो थोड़ा अलग तरीके से अरेंज्ड होंगे नाउ सो so इसमें क्या होगा मल्टीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है मतलब एक टाइप के लिगेंड से ज्यादा प्रेजेंट है एक लिगेंड से ज्यादा सो मल्टीन्यूक्लियर मल्टी न्यूक्लियर का मतलब ये होता है कि दो मेटल्स प्रेजेंट हैं ठीक है देखो आप देखो यहाँ पर लिगेंड नहीं मेटल के टर्म्स में हम बात करेंगे यहाँ पर मेटल uh, सो so, दो आपके मेटल्स हैं एक कोबाल्ट है एक कोबाल्ट है यहाँ पर भी कोबाल्ट है यहाँ पर भी कोबाल्ट है प्लेटिनम प्लेटिनम सो दीज आर मल्टीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स वे आर मोर देन वन मेटल आयन इज प्रेजेंट अब क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर आप देखो कि जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं वो सेंट्रल मेटल आयन जो कोबाल्ट है उससे चार इधर जुड़े हैं इधर दो जुड़े हैं ठीक है थीके? फिर ब्रिजिंग ये कहलाती है ये जो पोजिशन हैं ये कहलाती है ब्रिजिंग और ब्रिजिंग को आप म्यू से लिखते हो ठीक है तो आप देखोगे ब्रिज में एक अमोनिया है एक ऑक्सीजन है और कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर एक क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट है और अंदर भी क्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो इस तरीके के जो आइसोमर्स होते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन अब इसी का एक ये भी हो सकता है ठीक है इसी का आइसोमर ये है कैसे कि यहां पर क्या किया कि टोटल चार क्लोराइड थे तो यहाँ दो हैं बाहर अभी भी बाहर तो सेम है अंदर जब यहाँ दो थे तो यहाँ पर एक है और दो होने चाहिए थे तो एक यहाँ पर कर दिया तो इन टोटल ये भी दो हो गए ठीक है अब अमोनिया कितने होने थे चार और पांच छे छह अमोनिया होने थे तो यहाँ पर तीन कर दिए यहाँ पर तीन कर दिए और एक ब्रिजिंग को कुछ चेंज नहीं किया सो दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन पोजीशन। यहाँ पर लीगेंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज कर रहे हैं ठीक है पहले इस कोबाल्ट जो मेटल था उसके पास सिर्फ चार अमोनिया पूरे थे अब इस कोबाल्ट के पास तीन अमोनिया के साथ एक क्लोराइड भी आ गया तो अभी भी उसकी सेकेंडरी बैलेंस तो चार ही है, है ना चार रहनी चाहिए अब आप लीगेंड का नंबर चेंज कर सकते हो बट वैलेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए सो so, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन पोजीशन। नाउ कमिंग टू पॉलीमराइजेशन तो ये एक नया नया टाइप का आइसोमेरिज्म है तो इसमें क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड कंपाउंड होता है है ना उसमें आप अलग अलग मोलिक्यूलर uh, कंपोजिशंस या मॉलिक्यूलर वेट ठीक है मॉलिक्यूलर वेट या कंपोजिशन जो होता है वो अलग होता है फॉर एग्जाम्पल दे हैव द सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है तो आप यहाँ पर लीगें के नंबर को अगर चेंज भी करते हो तो आपको जो जैसे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला में कैसे समझाऊ देखो जैसे किसी कंपाउंड का सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स है तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी थ्री एच फोर है ना और ओ थ्री तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया तो ये नहीं बदलेगा अगर आप यहाँ पे क्या कर दो एटीन कर दो है ना इसको बढ़ा दो बारह कर दो तो कुछ भी आप ऐसा करो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो आपका नहीं बदलेगा तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने इलेवेंथ ट्वेल्थ में पढ़ा है ना सो so, वो नहीं बदलता अब क्या होगा देखो कैसे नहीं बदलता ये आपका स्टैंडर्ड कंपाउंड है ठीक है क्या है कोबाल्ट उसमें तीन अमोनिया जुड़े हैं और नाइट्रो भी तीन जुड़े हैं तो ये आपका एक स्टैंडर्ड कंपाउंड है और इस कंपाउंड से आप देखोगे कि आपको इतने सारे आइसोमर्स पॉलीमर्स मिल रहे हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट अलग है अब आप देखो यहाँ पर तीन अमोनिया थे यहाँ पर तीन नाइट्रो थे यहाँ छे अमोनिया हो गए छे नाइट्रो हो गए मतलब ये इंटू टू हुआ डबल हो गया मॉलिक्यूलर वेट यस और नो डबल हुआ कि नहीं हुआ या ना तो बोलो हुआ कि नहीं हुआ ठीक है चलो तो ये डबल हो गया आपका ठीक है अब आप इसी को अगर टू से डिवाइड कर देते हो है ना तो ये आपको क्या मिलेगा एनएस तीन मिल जाएगा और नाइट्रो भी तीन मिल जाएगा तो इनका जो बेसिक एम्पेरिकल फॉर्मूला था वो नहीं बदला ठीक है अब आप देखोगे दूसरा कि अब अगर आपने यहाँ पर देखा ये वाला ये ठीक है तो यहां पर आप देखो अमोनिया कितने हैं चार हैं और यहां पर कितने हैं यहाँ पर तो मैंने लाइन बना दी ये देखो यहां पर चार अमोनिया है दो नाइट्रो है यहाँ दो अमोनिया हैं चार नाइट्रो है तो टोटल कितने हो गए अमोनिया छह अमोनिया हो गए और टोटल कितने हो गए छ नाइट्रो हो गए तो अभी भी ये डबल है क्यों क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंपाउंड है इसमें टू का इंटू करेंगे तो सिक्स सिक्स हो जाएंगे अब इसको देखो यहाँ पर पांच अमोनिया है और ये होल ब्रैकेट में टू है मतलब इस का मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा तो टू टूजा फोर सो फोर अमोनिया प्लस फाइव अमोनिया कितने हो गए नाइन सिमिलरली नाइट्रो में भी फोर टू या एट नाइट्रो प्लस वन नाइट्रो कितने हो गए नाइन सो so, स्टैंडर्ड था हमारा थ्री थ्री नाइन तो इसका वेट कितना हो गया ठीक है तो इस तरीके से this is known as polymerization isomerism, जिसमें आपका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होता है बट द एम्पेरिकल फॉर्मूला रिमेन्स द सेम सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आई होप इतना समझ आया होगा आप लोगों को आज मैं नया टॉपिक नहीं शुरू कर रही हूँ आइसोमेरिज्म क्योंकि नहीं हो पाएगा ठीक है इसमें आपको ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पढ़ना है तो ये बहुत आसान है बहुत ही आसान है फिर आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी और ये यूनिट खत्म हो जाएगी ठीक है फिर इस यूनिट के बाद आपको पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सी एफ एस सी स्प्लिटिंग कैसे हो रही है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देन आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टू पढ़नी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में टू में आपको पढ़नी है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहाइड्रो कॉम्प्लेक्सेस के लिए तो ये काफी स्कोरिंग और इजी है ठीक है पूरा ब्लॉक टू तो वन थ्री सेवन का आपका मेजर ब्लॉक टू खत्म हो जाएगा जल्दी से तो जब ये पूरा कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा तब मैं इसका आपको पेपर कराऊंगी ठीक है पूरा इन चारों यूनिट का मिला के सो so, आज का समझ आया सबको चार तीनों को तीन ही लोग तो प्रेजेंट है आज यस और नो विशाल भावना हेमलता समझ आ रहा है ठीक है आप लोग भी वो करो अनम्यूट करो